कर देता हूँ। ओके, मैं भूल गया था। ओके, सो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकाइट्री विच डील्स विद द डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड टू न्यूरोसाइंसेस, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बिहेवियरल मेडिसिन, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एंडोक्राइनोलॉजी, रूमेटोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। शुरू शुरू में लॉन्ग टाइम बैक 1970s की इसने बात की है कि उस वक्त जब ये देखा गया कि जी कुछ क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं वो जनरेट करती हैं साइकाइट्रिक सिम्टम्स को भी, लाइक वो स्ट्रेस इंड्यूस कर देती है। लाइक इवन हम सिंपल अगर एग्जांपल डायबिटीज की ले लें तो डायबिटीज से डेफिनेटली हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और नर्वस सिस्टम के इफेक्ट होने से साइकाइट्रिक सिम्टम्स भी जनरेट होते हैं। और इस पे अब बहुत सारा काम हुआ हुआ है कि डायबिटीज और डिप्रेशन, डायबिटीज और एंग्जाइटी, डायबिटीज और साइकोसिस, उनके क्या रिलेशनशिप हैं, उनमें वर्सनिंग कैसे होती है, इम्प्रूवमेंट कैसे होती है। सो ये सारी चीजें साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के अंडर आती हैं, विच इज एन एक्सेलेंट सिचुएशन के एक अलहदा ब्रांच ऑफ स्पेशलिटी विच डील्स विद द इम्यूनिटी ऑफ द सिस्टम। स्ट्रेस क्रॉस टॉक बिटवीन द ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम। नाउ दिस हेडिंग सीम्स टू बी वेरी ब्राइट एंड इंटरेस्टिंग के स्ट्रेस क्रॉस टॉक बिटवीन द ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम। जैसे मैं अभी हाजरा से बात कर रहा हूँ, महानूर से बात कर रहा हूँ और फिर वो मेरे से बात करें, सो द क्रॉस टॉक, द कम्युनिकेशन दैट आई एम एंड आई एम यूजली हैविंग ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन इज वन वे कम्युनिकेशन। बट वेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू मी एंड आई एम टॉकिंग टू यू, वो आपस की हमारी जो क्रॉस कम्युनिकेशन है उससे कुछ चीज़ें जनरेट हो रही हैं, कुछ सवाल जनरेट होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होती हैं, कुछ बातें मेरी आपको समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, कुछ आपकी बातें मुझे समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो ब्रेन और हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी हैं उनमें जो आपस में कम्युनिकेशन है और वो कितनी स्मूथ है, ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में आती है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के जुमरे में आती है। मसलन हार्ट है, ठीक है, हार्ट यूजुअली एंग्जाइटी में टैकिकार्डिया हो जाता है और हार्ट रेट तेज हो जाता है। सो क्यों तेज हो जाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। क्या कोई और लिंक भी एग्जिस्ट करता है? और अगर कोई और लिंक एग्जिस्ट करता है तो उसमें साइकाइट्रिस्ट का क्या रोल है? नाउ इफ यू एस्टैब्लिश दैट देर आर डेफिनेट ब्रेन प्रॉब्लम्स विच लीड्स टू सर्टन एबनॉर्मैलिटीज इन द रिदम्स ऑफ द हार्ट विच कैन लीड टू सम साइकाइट्रिक मैनिफेस्टेशन विच आर एग्जिबिटेड एज अ हार्ट डिसफंक्शनिंग, देन ऑफ कोर्स दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और फिर हमें वो करना है। फिर एक और चीज बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन, हाउ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन रीचेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये भी एक कॉमन सी थीम है कि जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमारी कॉग्निटिव स्टेट में, इमोशनल स्टेट में फर्क आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको फ्लू हो जाता है, सो फ्लू में आप ढीले हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, आपसे उठा नहीं जाता, आपको दर्दें हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि इन अ वे हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। सो फ्लू की जो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है वो सारी मैनिफेस्टेशन ब्रेन और नर्वस सिस्टम में भी हो रही है। और इस इन्फ्लेमेशन सिस्टम को जो फ्लू की वजह से ब्रेन के अंदर और बाकी जगहों पे हो रही है, चाहे वो ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके वहां तक नहीं पहुंचता, अदरवाइज वो मेनिनजाइटिस और एनसेफलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। समटाइम्स पहुंच भी जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं पहुंचता, फिर भी उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। और वो क्या इम्पैक्ट आते हैं ब्रेन में, वहां पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स में क्या रिदम डिस्टर्ब होती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में क्या डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, ये सारा भी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी सिस्टम के तहत आता है। अब ये एक छोटी सी डायग्राम है जो मैं आपको दिखाऊं, ये पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन है। मसलन इसमें उसने गट का जिक्र किया है कि गट परमिएबिलिटी, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन, गट स्लैश माउथ। सो हमारे यहां से जो भी खाना हमारे स्टमक में जा रहा है उसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं। मसलन हम गोश्त खा रहे हैं या
आधा कच्चा आधा पक्का गोश्त है और उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज भी हैं। सो हमारे इंटेस्टाइन्स में यूजुअली बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फेवरेबल कुछ अनफेवरेबल। लेकिन जो अनफेवरेबल भी बैक्टीरियाज हैं वो क्रॉस नहीं करते, सॉरी तुमने कुछ कहा सर, ओ मैंने ये भी नहीं किया, हाजरा पहले बताना था। ओके अब स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर, अभी तो नहीं आई। अब आ रही है? थोड़ा सा अगर मोबाइल फोन पे हो तो थोड़ा सा मूव करके देखो। यस सर, अब आ रही है। गुड, ओके, मुझे पहले बता दिया करो ना। अच्छा अब ये जो हमारे हमारा ब्रेन है उसमें पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन कैसे पहुंच रही है? सो वो बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में सारे एग्जिस्ट करें, सारे के सारे वो सिस्टमेटिकली हमें इन्फेक्ट नहीं करते। सो हम बहुत सारी जगहों पे अच्छा खाना खाते हैं, बहुत सारी जगहों पे गंदा खाना खाते हैं, लेकिन गंदा खाना और उसके बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जाके फिर भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाते बल्कि एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ उसमें से परसेंटेज एब्जॉर्ब होती है जो हमें समटाइम्स इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज कर देती है। अगर वो हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज कर देती है तो इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया वहां से हमारे ब्रेन तक भी पहुंचते होंगे थ्रू ब्लड सेल्स। मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्टिव मटीरियल नेवर क्रॉसेस द बीबीबी। यहाँ पे जो बीबीबी नजर आ रहा है, आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो बीबीबी है ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। मेजॉरिटी बैक्टीरिया ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते, ये हम सबको पता है। लेकिन ब्लड सेल्स बैक्टीरिया ब्लड सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ लेवल तक क्रॉस करते हैं। अगर ये ब्लड सेल्स क्रॉस कर रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और इनके साथ कुछ इन्फेक्टिव मटेरियल अटैच हो जाता है तो वो ब्रेन को जाके भी कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। मे बी उस लेवल की नहीं करता जिस लेवल में एनसेफलाइटिस हो जाए, लेकिन किसी और लेवल पे शायद कर दे। इस चीज को न्यूरॉन्स एंड ग्लाया के कॉन्सेप्ट को उसने कहा है कि जी वल्नरेबिलिटी टू बिहेवियोरल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, साइकियाट्रिक सिम्टम्स, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर कुड बी रिलेटेड टू न्यूरॉन्स एंड ग्लाया विच आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डैमेज इन डिफरेंट लेवल न्यूरोट्रांसमिटर्स रिसेप्टर्स सेकेंडरी टू दीज इन्फेक्टिव मटीरियल। अभी ये इट्स टू अर्ली टू से कि ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन जो एविडेंस मिलता है उसके हिसाब से ये है कि जी डेफिनेटली सम काइंड ऑफ आरएनए मटेरियल लाइक कोविड। अब कोविड के बारे में भी एक रिसर्च बहुत कॉमनली आ रही है कि वो वास्कुलाइटिस कॉज करता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर जब वो वास्कुलोपैथी कॉज करता है और एनसेफलोपैथी कॉज करता है तो उसके इम्पैक्ट्स भी आते हैं और उनमें ये साइकियाट्रिक सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। सो इस रिलेशनशिप को भी स्टडी करना इसी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की डोमेन में आता है। और इसमें ये नोन फैक्ट है कि कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस डिप्रेशन को वर्स करते हैं। उसमें से जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो कुछ कॉज करते हैं, लाइक वायरल इन्फेक्शंस में स्लीप डिस्टर्ब होती है, एपेटाइट डिस्टर्ब होती है, नॉर्मल बिहेवियर्स डिस्टर्ब होते हैं, सो ये सिम्टम्स भी जनरेट हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन इन साइकोसिस एनिमल मॉडल्स, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। लास्ट pharmacology, we are still far from having ideally effective and safe treatments to offer to patients with affective disorders and psychosis. Abhi bhi jab bipolar ka patient hamare paas aa jata hai ya mania ka patient aa jata hai ya schizophrenia ka patient aa jata hai, so we have using our clinical skills to highlight one antipsychotic for that patient. Zaruri nahi hai ki pehli antipsychotics 100% cases mein effective ho jaye. So 30% में
पेशेंट ठीक हो जाता है, 30% में हमें एक सेकेंड एंटीसाइकोटिक का ट्रायल देना पड़ता है, और लास्ट 30% में हमें क्लोजपीन का ट्रायल देना पड़ता है, और लास्ट 10% में हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स पे जो रेजिस्टेंट टू क्लोजपीन होते हैं उन पे जाना पड़ता है। सो ये चीज़ें जो हैं इसमें अभी भी काम हो रहा है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरीज का क्या रोल है, इसमें स्टीरॉइड्स का क्या रोल है, इसमें कॉक्स टू इनहिबिटर्स का क्या रोल है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो बहुत बात करते हैं, खासतौर पे हमारे नीम हकीम लोग बहुत बात करते हैं, उसका क्या रोल है। सो इन सारी चीज़ों का जो भी रोल ब्रेन के अंदर है वो अभी इस्टेब्लिश होना है, और इसी को साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। चलो, ये छोटा सा टॉपिक मैंने 15 मिनट में कंफर्म कर दिया, इसके बाद अगले चैप्टर्स कर लेंगे। कोई सवाल पूछना है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन पूछो। जरूर पूछो। अच्छा सर, ये जो चैप्टर था ये तो इसी पे ही था ज़्यादा, कि अभी मतलब जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं और जो रिसर्च हो रही है। असल में शुरू में जब आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे, बस मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या दोनों है, तो उसमें एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन साइकेट्रिक इशूज के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? इज देयर एनी परसेंटेज यू नो, या इस बारे में आपको कुछ पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ। गुड। सो देखो, ये जितनी मैंने क्रॉनिक एलिमेंट्स की बात की, जैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस की मैंने बात की, डायबिटीज़ की बात की, हाइपरटेंशन की बात की, और आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखते होगे कि ऐसे पेशेंट्स में कोमॉर्बिडिटी बहुत हाई है। नोन फैक्ट्स हैं, लाइक डायबिटीज़ में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इज एटलीस्ट ट्वाइस एज मच एज इन नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन। सो अगर नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन में 10% है, तो डायबिटीज़ के साथ MDD की पॉसिबिलिटी 15-20% है। सिमिलरली हाइपरटेंशन में अगर नॉर्मल पेशेंट्स में डिप्रेशन 10% है, तो हाइपरटेंशन में जो एवेल्युएटेड केसेस हैं वो 0.5% ज़्यादा हो जाते हैं या 50% ज़्यादा हो जाते हैं। सो हाइपरटेंशन के साथ मेजर डिप्रेशन के होने के चांसेस 15% बढ़ जाते हैं। ये मुख्तलिफ एपिडेमियोलॉजिकल डाटा अवेलेबल है। CVA के पेशेंट्स में साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी होने के 20-30% पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी होने की पेशेंट्स को आइदर बिकॉज ऑफ द डिजीज प्रोसेस और बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज गिवन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक स्टीरॉइड्स एंड ऑल दैट स्टफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी गेट्स डबल। सो अगर 10 पेशेंट हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 20-40% बढ़ जाती है। तमाम स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स और वायरल इन्फेक्शंस जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं, उनमें साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी मोर देन 50% रिपोर्टेड है। सो डिप्रेशन, साइकोसिस, एंग्जाइटी, फोबियाज, तमाम ऐसे सिम्टम्स डबल द नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन में रहते हैं। सो ये बात तो फैक्ट है। सो जो चीज़ मैंने इस जगह पे कवर नहीं की, जिसका मैंने सिर्फ जिक्र किया, वो ये कि तमाम क्रॉनिक एलिमेंट्स लीड्स टू मोर केसेस ऑफ साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी एंड साइकियाट्रिक मोर्टैलिटी एज वेल। कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज के साथ अगर आप देखें तो साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होती है, वहाँ साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। इसी तरह क्रॉनिक केसेज ऑफ जो डिजीजेज हैं उनमें साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, और इनमें सुसाइड के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। राइट, थोड़ा जवाब मिल गया? जी जी सर, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। सो बेसिकली जो इस कॉन्सेप्ट से सवाल एग्जाम में आते हैं, वो सवाल यूजुअली इस तरह का ही आएगा कि अगर एक पेशेंट है, उसको थायराइड डिजीज है, ठीक है, और उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसमें साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी के चांसेस क्या हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और उसमें ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी। सो सिंपल, हाइपोथायरॉयड इज रिलेटेड टू
मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, हाइपर थायराइड रिलेटेड टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, सो मोबिलिटी बढ़ जाएगी. लेकिन जब हाइपर थायराइड की आप ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे साइकोसिस वर्सन होने के चांसेस होते हैं, और हाइपोथायराइड की जब आप ट्रीटमेंट थायरोक्सिन देते हैं तो उससे भी मीनिया में अगर प्रीडिस्पोज्ड हो पेशेंट तो प्रेसिपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इस तरह के सवाल एग्जाम में यूजुअली आते हैं. दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. जो अभी तक मैंने बैंक में सवाल पढ़े हुए देखे उसमें थायराइड, डायबिटीज, सीवीए तीन चीज़ों से कोरिलेशन थी, विच इज आई थिंक यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड एज वेल इन एग्जाम सिचुएशन, राइट? एनीथिंग एल्स?